बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हादी की सरसरी में आज आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो 20% रूल VU एग्जाम में। तो इस सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर अब्दुल हादी की सरसरी पर, तो कि आपको इस बारे में इतना है या नहीं है, इस बारे में आपसे पूछा था कि मैं वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ। तो 80% जो तकरीबन 100+ वोटिंग हुई है वहाँ पर, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले। लेकिन 80% लोगों ने कहा है कि आप यहाँ पर इसके मेरे तो वीडियो बनाए हमें समझ नहीं है, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफियात में था, तो आपके लिए खुशी टाइम निकाल कर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। वीडियो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। कि चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले अब्दुल हादी की सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो असाइनमेंट GDP के वक्त मिल सके। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। 20% रूल आखिर में है क्या? ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद आपको मुकम्मल समझाता हूँ कि 20% रूल है कि हर जो एक्टिविटी है उसमें 20% मार्क्स लेना। ठीक है, 20% मार्क्स लेने का मतलब ये है कि अगर 10 नंबर आपके क्यूज में, तो उसमें आपने 2 मार्क्स लाजमी लेने हैं। ठीक है, तो आपको समझाते हैं। चलो जी, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्टिविटीज ड्यूरिंग सेमेस्टर। इसमें कौन कौन सी आएगी हमारे पास जी? नंबर 1 असाइनमेंट्स, GDPs, क्यूज, और चौथे नंबर पर हमारे मिड टर्म या आपका जो हो रहे हैं ग्रैंड क्यूज। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी हमारी आखिर पर फाइनल एग्जाम। ठीक है, और अब करना क्या है? 20% जो रूल है वो ये कहता है कि इन तीनों को कंक्लूड करके, इन तीनों को प्लस करके, इन तीनों को ऐड करके आपने 20% मार्क्स लेने हैं। सपोज यहां पर आपके टोटल जो एक सब्जेक्ट है, मैं यहां पर सपोज कर रहा हूं मैथ 101। ठीक है, 101 या 101, इसमें आपने 10 मार्क्स से जो टोटल मार्क्स है। ठीक है, और GDPs की भी 10 है और क्यूजेस के भी 10 है और ग्रैंड क्यूज के भी 20 कर लेते हैं, आपको समझाने की खातिर। तो ये कितनी होगी जी? आपके बन गई टोटल, बन गई 50 मार्क्स बन गए। इस 50 में से आपने 20% मार्क्स लेनी है। ठीक है, 20% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर ये हो गया 100 का फाइनल एग्जाम, वैसे तो अमूमन 100 के वो 50 से लेकर 70 तक होती हैं, उस सब्जेक्ट के बारे से इंक्वायरी करते हैं, UEU की पॉलिसी सब्जेक्ट के बारे से होती है। ठीक है, तो सपोज ये 100 मार्क्स इसके, इसमें भी आपने 20% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, अब केस वाइज इसको कर लेते हैं जी। केस किस तरह, कौन सा स्टूडेंट का पास होगा और उसकी कौन सी कंडीशन होगी। पहला जो केस है हमारे पास केस 1 है कि इसमें से जो ये हम कहेंगे एक्स। ठीक है, इस सारे को हम एक्स डिनोट कर रहे हैं और इसको हम वाई से कह रहे हैं। ठीक है, और टोटल हमारा जेड होगा। एक्स में से आपने ना लिए लेस देन 25%। ठीक है, लेस देन 25। ठीक है, वाई में से जितने भी या फाइनल में से जितने भी लिए आपने, ठीक है, चाहे आपने 20% लिए हैं या 20% ज्यादा नंबर लिए हैं, ठीक है, तो आप फेल हैं। यानी दोनों सूरतों में आपने 20% नंबर लाजमी लेने। ठीक है, इसका 20% क्या होगा आप निकाल सकते हैं, तकरीबन ये बन जाता है, ऐसे करेंगे आप। एक मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक साथ लिंक आ रहा होगा, आई बटन, उसको आपने ओपन कर लेना। उस वीडियो में मैं आपने बताया हुआ है कि एक एक्सेल शीट दी हुई है और एक्सेल शीट में बताया हुआ है कि जब भी कोई रिजल्ट आए किसी भी एक्टिविटी का, चाहे वो साइंस का है, GDPs का है या दूसरे मिड टर्म का है, किसी भी चीज का रिजल्ट आए, आप उसमें नंबर इन करते जाए और आपकी क्यू जो उसकी परसेंटेज होगी वो भी आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, तो आप एक उस हिसाब से एक अंदाजा लगा सकते मेरी किस सब्जेक्ट में तैयारी कम है और किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से टाइम एडजस्टमेंट करके अपनी एक टाइम बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पर देखते 20/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये होगा 10। 50 में से 10 मार्क्स आपका लाजमी लेने हैं।
ठीक है, ये 20% है, अगर इससे कम होंगे तो आप फेल है, चाहे आप फाइनल में जितने मर्जी नंबर ले लें, फाइनल में 100% पर नंबर ले लें तो आप फेल हो, ये केस यहां से आ गए, ठीक है, यहां पर उसके लेस कंडीशन हुई है, ठीक है, 20% से कम हुए नंबर। केस टू क्या है, वाई में से आपने 20% नंबर कम लिया, यानी जो फाइनल टर्म है ये फाइनल है, ठीक है, फाइनल में से आपने 20% नंबर कम ली है, तो यहां पर आपके इधर यहां पर अगर आप आगे जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि मिड टर्म असाइनमेंट्स इनमें से आपने 100% नंबर पास किए होंगे, अब हम कहते हैं कि जी कोई बात नहीं जी, जैसे हम बोर्ड क्लास में करते रहे आपसे जी कोई बात नहीं, हमारे इंग्लिश में तो पार्ट वन में आते हैं आया नंबर है 60, तो अब पार्ट टू को ना भी दें तो पास हो जाएंगे, ये यहाँ पर नहीं सोचते आप लोगों के आप, ठीक है, अब यहाँ पर चाहे 50% नंबर लिए हैं, फुल नंबर है, ठीक है, मन हमारे आते भी फुल नहीं है, लेकिन फाइनल में 20% से कम हुए हैं तो आप फेल हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, फेल, ठीक है। केस थ्री क्या है हमारे पास, केस थ्री क्या है कि हमारे पास अगर ये भी 20% से ऊपर है, ओके है, फाइनल में से 20% से ऊपर है, बस मैं आपने यहां पर लटका हुआ है, आपने 20 से लेकर ऊपर 30 तक किए हैं, 40 तक किए हैं, लेकिन जब शामिल किया है तो ये लेस देन 50 है, आप पहले 40 था, आप उन्होंने वीयू ने 50 काट दिया है, तो फिर भी आप फेल हैं, ठीक हो गया, समझा गए दोबारा, यहां पर ये अक्सर यहां पर मसला बन जाता है कि थोड़ा सा भी आपने डाउन काट दिया है तो फिर भी आप फेल हो जाएंगे, यानी अगर आपने यहां पर देखिए कितनी पार्टस है की। अगर आपने यहां पर अच्छे नंबर लिए हैं ये चीजों में, इन चीजों में अच्छे नंबर लिए हैं, फिर आपने यहां से अगला टारगेट क्या होता है कि जो फाइनल टर्म है ये फाइनल, इसमें आपने 20% से ज्यादा नंबर लेने हैं तो फिर आप पास हो जाएंगे, फिर आपने टोटल आपने 50% भी देने हैं, ठीक है, यहां पर आखिरी कंडीशन ये होती है 50% भी देने हैं, इन सब को शामिल करके, मैं दोबारा यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ कि आप अक्सर शीट डाउनलोड कर लें, उसमें ऑटोमेटिक पता चले फाइनल में कितने नंबर चाहिए आपको, तो फिर आप पास हो सकते हैं, ठीक है। अब केस फोर्थ क्या है हमारे पास, केस फोर हमारे पास है कि ये भी 20% से ऊपर है, ये भी 20% से ऊपर है, और जेड क्या है 50% से ऊपर है, 50 marks से ऊपर है, तो फिर आप पास होंगे, यानी इस सारे जो बहस है इसका नतीजा यहां पर ये निकलता है, जो आपका कंक्लूजन ये निकलती है कि यहां पर अगर आपने जो सेमेस्टर एक्टिविटीज हैं उसमें भी अच्छे मार्क्स लेने हैं और 20% से पास करने, देखिए लोग 20 नंबर लिए तो 40 बनता है, इधर से भी 20 लिए नंबर जो ये इनमें से भी 20 लिए और इधर से भी 20% नंबर लिए टोटल तो 40% बन गए, तो फिर आप कंडीशन केस थ्री में आ जाएंगे और फेल हो जाएंगे, ठीक है, और लेकिन आपने टोटल भी आपने 50% से ज्यादा कर तो फिर आप पास होते हैं, जब तक ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, केस फोर आपका ओके नहीं होता, तब तक आप इसमें सब्जेक्ट में फेल हो, समझ आ गए जी। इसको मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ कि आपने 20% रूल ये है कि आपने जो फाइनल टर्म से पहले पहले जितनी भी एक्टिविटीज की हैं, वायवा होता था CS201 का, कोरोना की वजह से वायवा नहीं हो रहा, उसमें से भी सब में से आप कुछ शामिल करके, उनमें से कुछ शामिल करके, या आपने ये बात नोट करें कि असाइनमेंट से आप किसी एक चीज में से कम नहीं कर पाओगे तब प्रॉब्लम नहीं होगी, टोटल देखिए टोटल किया हुआ है, ठीक है, 10, 10, 10, 50 इसमें से आपके 20% पास में जाएंगे, ठीक है, समझ आ गए, इनमें से 20% और फाइनल में भी 20% और इनको शामिल करके 50% से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, रिपीट करता हूं शायद आपको समझ ना आई हो कि इनमें से 20% ये असाइनमेंट जीडीबी क्यूज मेजर या ग्रैंड क्यूज, इनमें से 20% हो जाएगा आपका, ये तो कंडीशन में ज्यादा पता मुझे हो जाएगी, इनमें से 20% से ज्यादा होना चाहिए, फिर फाइनल में भी 20% से ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों को शामिल करके 50% से भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपके, ठीक है, तो फिर आप पास होंगे,
वरना क्या होगा कि अगले सेमेस्टर में सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा और फुल फीस सब्जेक्ट की देनी पड़ेगी। ठीक है, जो बीएस के लिए होती है, बीएस वालों के लिए होती है 2150, और जो मास्टर लेवल के प्रोग्राम है उनकी तकरीबन 3400 के इर्द गिर्द कुछ होती है, 1150 उनका एक कैडेट आवर की फीस। ठीक है, तो टॉपिक से हट जाऊंगा मैं, तो उम्मीद है आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस चीज का। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमर्स में लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि आप पिछले मेरी वीडियोस के तमाम कमर्स चेक करते हैं, मैं विद इन आवर्स यहाँ पर जो आप देता हूँ मैं, और एक नंबर जो शो हो रहा है उसकी स्क्रीन पर नीचे, कोशिश किया करें कि कॉल मत किया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल मत किया करें, क्योंकि मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ मेरी भी है, तो कॉल मत किया करें, मैसेज कर दिया करें, बिजनेस मेरा व्हाट्सएप बिजनेस बनाया हुआ उस पर, तो इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द अप्लाई दूंगा मैं आपको। ठीक है, और मेरा ये रिकॉर्ड भी तमाम जो व्यूअर्स आपसे वहाँ पर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि मैं जल्द अज जल्द रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये तमाम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये 80% आप यहाँ पर नजर करते हैं, 80% यहाँ पर समझ नहीं है। ठीक है, और हम वीडियो को कोसते हैं कि वीडियो ने हमें फेल कर दिया। ठीक, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दोनों ख्याल रखें, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।